ये शाही किले का एंट्रेंस गेट है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना है, बुरहानपुर का शाही किला। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम आपको उन मकामात पर ले जाएंगे जहां पर मुमताज़ के लिए ताजमहल बनने वाला था, और उनके जल्दी फौत हो जाने की वजह से प्लानिंग उल्टी हो गई और जो ताजमहल में लगने वाले पत्थर और सामान है, चूंकि वो बाहर कंट्री से ईरान अफगानिस्तान की तरफ से कहीं से दूर से आ रहा था और आने में यह ताखीर होती और मुमताज़ का इंतकाल हो चुका था, इसलिए जो यहाँ बताई जाती हिस्ट्री में बात वो ये कि आगरा में ताजमहल बनाया गया। तो मुग़लों के दौर का ये शाही किला जिसे आप देख रहे हैं, और बड़ा ही खूबसूरत गार्डन यहाँ मेंटेन किया गया है बुरहानपुर में। अभी हम उस तरफ भी आपको सैर व तफरी कराएंगे जो जहाँ ताजमहल बनने वाला था। जी हाँ, ये इस गार्डन का पानी का हौज है। देखो बेटा, इसमें ये है ना, ये पैर में नहीं लगे, बहुत बुरी तरह लगेंगे, पानी का वो है, वो फव्वारे हैं, कूदने में पैर में ना लग जाए। और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत व्यू है, अल्हम्दुलिल्लाह। शाही किले का ये गार्डन है जिसको अच्छे से मेंटेन किया गया है। लोग यहाँ सैर व तफरी के लिए सुबह आते हैं, इसलिए हम भी मदरसे की टीम को लेकर, आज वैसे पूरे बच्चे नहीं हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने गए हैं, कुछ आज पहली बार था तो पढ़ के चले गए, आई नहीं, या उनको प्लानिंग मालूम नहीं थी कि हफ्ते में एक बार मदरसे की टीम को इंशाअल्लाह सैर व तफरी के लिए ले जाया जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और ये बहुत ही खूबसूरत वजू खाना है, वजू खाना बोल रहा हूँ, हौज है पानी का। अगर इसमें पानी होता तो और भी खूबसूरत लगता, देख सकते हैं आप। बीच में जाने का रास्ता, बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, हाफिज जी भी फुल एंजॉय कर रहे हैं। जो लोग भी बुरहानपुर आते हैं, आना चाहते हैं घूमने के लिए, वो आए तो वो यहाँ ज़रूर आए, और यकीनन जो लोग भी आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। शाही किला है, बहुत मशहूर और मारूफ है, तो जो लोग भी किसी काम से बुरहानपुर आते हैं तो एक बार ज़रूर आए। बड़े अच्छे व्यू हैं, अभी आगे की वीडियो में और बताएंगे इंशाअल्लाह।